फिल्मी दुनिया को माया नगरी कहा जाता है और साथ में ही यह भी कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता, पर यह झूठ है। फिल्मी दुनिया की कुछ ऐसी हसीनाएं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में अपने अभिनय से नाम तो कमाया पर कुछ समय बाद ही फिल्मी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। उस लिस्ट में नंबर वन पर है तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता का उस वक्त काफी क्रेज था जब उन्होंने आशिक बनाया फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में वह एक्टर इमरान हाशमी के साथ नजर आई थी। फिल्म में उन्होंने जबरदस्त सीन दिए थे। इमरान के साथ उनकी किसिंग सीन आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं। लेकिन इस फिल्म के बाद तनुश्री इंडस्ट्री से गायब सी हो गई। कुछ वक्त पहले ही मी टू अभियान के कारण सुर्खियों में आई थी। नंबर टू, मल्लिका शेरावत। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली मल्लिका शेरावत एक वक्त में लोगों के दिलों की मल्लिका हुआ करती थी। उन्होंने भी इमरान हाशमी के साथ कई किसिंग सीन्स दिए हैं। वही फिल्मों में वह अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती है। हॉलीवुड फिल्मों में भी मल्लिका ने रिवीलिंग कपड़े पहन लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन वह बोल्डनेस के दम पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। नंबर तीन, सनी लियोनी। सनी लियोनी ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने अपनी कहानी से सबको रूबरू करवाया। इसके बाद उन्होंने फिल्म जिस्म 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसमें उन्होंने काफी बोल्ड सीन्स दिए। इतना ही नहीं, सनी अपनी हर फिल्म में बोल्ड सीन के लिए जानी जाती है। ऐसे में उनके पास ज्यादा बड़ी फिल्में भी नहीं है और जो मिलती है उसमें उनके बोल्डनेस की चर्चा होती रहती है। नंबर चार, उदिता गोस्वामी। उदिता भी बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार है। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में इमरान हाशमी के साथ जहर और अक्सर फिल्मों में काफी बोल्ड सीन दिए है। उन्होंने फिल्म पाप से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट जॉन अब्राहम थे। फिल्म में उनकी बोल्डनेस की काफी चर्चा रही, लेकिन उदिता ने फिल्मी कैरियर में काफी कम फिल्मों में काम किया। अब वह इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो चुकी है। नंबर पाँच, गीता बसरा। गीता बसरा भी इमरान हाशमी के साथ बोल्ड सीन दे चुकी है। उन्होंने फिल्म दिल दिया है से अपना डेब्यू किया। इसमें उनके साथ इमरान थे। फिल्म में दोनों के बोल्ड सीन की काफी चर्चा रही। हालांकि बोल्डनेस के बावजूद गीता का सिक्का बॉलीवुड में नहीं चला। आज वह हरभजन सिंह के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही है। ऐसे ही बॉलीवुड गपशप पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी टॉक टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।